Hello friends, after a long time I am again on my YouTube channel, that is Biology Concepts. So today in this video I am going to tell you about which type of videos I am going to upload. So lockdown ko dekhte hue class 10th ICSC ke students ko update rakhne ke liye मैंने ये वीडियो सीरीज बनाने का सोचा है. इस वीडियो सीरीज में क्लास 10th बायोलॉजी के सभी टॉपिक्स होंगे और ये वीडियो सीरीज क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई दोनों ही क्लास के लिए, दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए काफी यूजफुल रहेगी. तो इस वीडियो सीरीज में मैंने क्लास 10th के टॉपिक्स को चार पार्ट में डिवाइड करा हुआ है, दैट इज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4. सो जितना भी कंटेंट आईसीएसई बोर्ड में है वो काफी लेंथी है. सिलेबस अगर देखें सीबीएसई और आईसीएसई में काफी डिफरेंस है. अगर हम लोग आईसीएसई का सिलेबस कवर कर लेंगे तो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स इजीली अपने टॉपिक को इन वीडियोस लेक्चर्स के थ्रू कवर कर सकते हैं. तो जो टॉपिक्स हैं, मैंने जो पार्ट 1 है उसमें बेसिक बायोलॉजी को रखा हुआ है, प्लांट्स और एनिमल्स की. इसमें सेल डिवीजन, सेल साइकिल, क्रोमोसोम्स, जेनेटिक्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट, मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स, उनके लॉज, सेक्स लिंक करेक्टर्स और पेडिग्री और म्यूटेशन का सिर्फ हम लोग को बेसिक ओवरव्यू देखना है. क्योंकि क्लास 10th लेवल की अगर हम लोग बात करें तो पेडिग्री और म्यूटेशन काफी डिटेल में नहीं आते हैं क्वेश्चंस. तो और जो सेकंड पार्ट हम लोगों ने अपने क्लास 10th बायोलॉजी कंटेंट में रखा है उसमें रखा है प्लांट फिजियोलॉजी को. प्लांट फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है. इसमें बेसिकली 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, जिसमें कि पहला है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. और इसके अंडर हम लोग पढ़ते हैं फाइटो हार्मोन्स को, जितने भी प्लांट हार्मोन्स हैं और प्लांट्स में जितनी भी ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैं, नास्टिक मूवमेंट्स हैं, वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे. और तीसरा पार्ट हम लोगों ने रखा हुआ है जिसमें कि एनिमल फिजियोलॉजी के सारे कंटेंट होंगे. और जो एनिमल फिजियोलॉजी के कंटेंट्स हैं उनमें सबसे पहला आएगा सर्कुलेटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स में आईज और ईयर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें हम लोग एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे कौन से ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सीक्रेट कर रहे हैं. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों की ही स्टडी करेंगे. और ह्यूमन इवोल्यूशन पे हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स आज होमो सैपियंस हैं और कैसे कैसे ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन हुआ है. उसके लिए हम लोगों को एक टेबुलर फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में पढ़ना होगा कि कौन सी स्पीशीज पहले आई और कैसे कैसे करके इवोल्यूशन होता गया कि आज हम लोग होमो सैपियंस में कैसे कैसे क्रैनियल कैपेसिटी बढ़ती रही. और इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी तैयार किया है बेसिकली अपने स्टूडेंट्स के लिए कि ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए AHEN-CN. इसके लिए बेसिकली मैं कह सकती हूँ कि ए स्टैंड्स फॉर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एच स्टैंड्स फॉर होमो हैबिलिस, ई स्टैंड्स फॉर होमो इरेक्टस, देन नियंडरथल, देन क्रोमैग्नन, देन मॉडर्न मैन, एज वी ऑल आर होमो सैपियंस. सो इफ वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्रैनियल कैपेसिटी इंक्रीजेस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इवॉल्व करेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड. सो इन दिस वीडियो सीरीज लेक्चर, इन दिस session we will discuss in detail about human evolution part. At last I have categorized this part 4 in which we study about general biology. As you all the students are studying from very last, from previous classes, you have studied in your previous classes, that is a very basic topic, that is a pollution and population. So pollution, in this we will discuss about population and its types, and in population, pollution and its types we will discuss, and here we will discuss about population, what are the causes of the population explosion,
basically who are responsible for population explosion, why there is too much population, what are the types of growth curve, that is exponential and logistic growth curve, we will study. So in this way we will cover all the topics. लॉकडाउन को देखते हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे क्लासरूम लेक्चर्स हैं, उसके लिए उनको उनका लॉस ना हो इसको ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ये वीडियो सीरीज डालने का सोचा हुआ है, ताकि स्टूडेंट्स जो कि घर बैठ के प्रॉपर रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि ICSE बोर्ड के एग्जाम में काफी डिले हो रहा है और देख पाते हैं हम लोग कि कब तक एग्जाम हो पाते हैं, उसके लिए हमें प्रॉपर रिविजन को रखना है, क्योंकि लैक ऑफ रिवीजन आपकी एग्जाम की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर देगा। जैसे भी आपने अगर थोड़ा भी रिवीजन पे फोकस नहीं किया तो आपका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाएगा। ऑल दो जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने लास्ट 10 मंथ्स में काफी प्रैक्टिस और रिवीजन किया है, प्रॉपर टेस्ट दिए हैं, फिर भी ये जो प्रीशियस टाइम होता है एग्जाम टाइम का, चूंकि एग्जाम बच्चों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि एग्जाम डिले हो गए हैं अब कब होंगे, तो उनका जो लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, जो उनका शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है, उसको प्लान करने के लिए मैंने ये वीडियो सीरीज बेसिकली बनाना शुरू किया है। और ये स्टूडेंट्स जो 2020 एग्जाम में अपियर हो रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी, और जो 2021 अपियरिंग है उनके लिए भी ये लेक्चर्स काफी यूजफुल होंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर रिविजन आपने नहीं किया तो आप एग्जाम में अच्छा अपने प्रॉपर आंसर्स को नहीं दे पाते हैं, और लैक ऑफ रिवीजन की वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाता है कई बार एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में, और कई बार मैचिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एफआईबीज हैं, क्योंकि आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में जो सेक्शन ए आता है वो बेसिकली 40 मार्क्स का आता है सेक्शन ए, और उस सेक्शन ए में बेसिकली सारे क्वेश्चंस जो होते हैं 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, इस तरीके के आते हैं, बेसिकली 1 मार्क्स के ही होते हैं, और जो सेक्शन बी होता है वो बेसिकली पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है, लेबलिंग के क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए आपको थोरो रिवीजन की जरूरत होती है। जहां भी जब भी आप अपना रिवीजन करना बंद कर देते हैं तो आप उन छोटे छोटे पॉइंट्स पे फोकस नहीं कर पाते हैं, उस चीज को मेंटेन रखने के लिए आपको हर एक चैप्टर का प्रॉपर रिवीजन करते रहना है, और उसके लिए मैं इन सारे वीडियो लेक्चर्स में बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट और एक रिवीजन, क्विक रिवीजन टाइप का होगा, और जो भी स्टूडेंट 2021 में 10th में अपीयरिंग होंगे उनके लिए वो मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस के लिए ऑनलाइन लाइव सेशंस दूंगी ऑनलाइन होकर, जिसमें कि आप अपनी जितने भी क्वेश्चन आंसर सेशन है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आंसर्स आए हुए हैं उनका वो क्वेश्चन आंसर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, ताकि जब हम लोग 1-to-1 बैठते हैं तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, वो हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकती है, और उसी टाइम पे मैं उनके जितने भी डाउट्स हैं उनको सॉल्व कर सकती हूँ। और ये जो वीडियोस होंगे ये सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्टरी होंगे, क्विक रिवीजन के लिए होंगे, ऑल्दो ये वेरी यूजफुल होंगे, दीज वीडियोस आर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट फॉर डिटेल डिस्कशन इफ यू वॉन्ट टू आस्क योर क्वेरीज, क्वेश्चन आंसर्स, योर डाउट्स, यू कैन ज्वाइन मी फॉर माई ऑनलाइन क्लासेस। तो इसका अगला वीडियो जो होगा हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेल डिवीजन, एंड आई होप दीज ऑल वीडियो सीरीज विल बी वेरी मच यूजफुल फॉर माई और क्लास 10th स्टूडेंट्स, ICSE एज वेल एज CBSE बोर्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, सी यू लेटर एंड टेक केयर ऑफ यू, कीप एंजॉइंग लॉकडाउन।